हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप हमारा एक सेटअप होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2012, तो उसको आप अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक प्रोसेस आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन के दौरान अगर एक भी जो आपका प्रोसेस है वो छूट जाता है, तो वो आपको एंड में कुछ ना कुछ एरर देगा, या बीच में भी वो आपको एरर दे सकता है, जिसकी वजह से आपका जो सेटअप है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो है हमारा ये सेटअप होता है एसक्यूएल सर्वर का, इसे आप हमारी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है हमारे सारे सेटअप्स। ठीक है, तो जो हमारा ये एसक्यूएल सर्वर है इस पे आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे एक क्लिक करना है। अब हमारा ये जो सर्वर का जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यस या नो, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, जो सेटअप का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये जो हमारे एसक्यूएल सर्वर की जो फाइल्स होती हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें आपको जो फर्स्ट वाला है, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एक्सिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इस पे आपको वन क्लिक करना है। हमारा एसक्यूएल का जो सेटअप है वो रनिंग में है। इसके बाद यहाँ पे ये आपके पास एक स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, इस पे जो आपके पास सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पे आपको टिक करके आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ये एक और नई जो स्क्रीन है वो आ जाती है। तो इसमें आपको ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका यहाँ पे आ रहा है, इसमें आपको अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी होती है। आप डी ड्राइव कर सकते हैं, सी ड्राइव आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें डेटा लॉस का आपका चांसेस बना रहता है। तो आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव, उसमें आपको यहाँ पे सिलेक्शन देना है, देन नेक्स्ट प्रोसेस करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने नेम्ड इंस्टेंस एंड डिफॉल्ट इंस्टेंस के ऑप्शन है, तो डिफॉल्ट इंस्टेंस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे भी सी ड्राइव की जगह आपको डी ड्राइव यहाँ पे सिलेक्शन देना है, देन नेक्स्ट प्रोसेस करके आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको ये तीन चार जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड दिख रहा होगा कि जो हमारा एक डिसेबल्ड है, इसको आपको क्लिक करके ऑटोमेटिक पे आपको इसको क्लिक करके नेक्स्ट आपको प्रेस करना है। इसके बाद ये एक और विंडो हमारे सामने आ जाती है। फर्स्ट पे आपका है विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड, एंड नेक्स्ट पे है आपका मिक्स्ड मोड, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो
तो इसमें आपको सेकंड वाले पे मिक्स्ड मोड पे आपको क्लिक करके देन यहाँ पे आपका जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं पासवर्ड रख लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको अगेन एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो ये वाली विंडो आपकी ओपन हुई है रिपोर्टिंग सर्विसेज नेटिव मोड, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। देन आपकी लास्ट विंडो जो ओपन होती है इस पे भी आपको ये जो आपका सेंड विंडोज़ एंड एसक्यूएल सर्वर, इस पे आपको कोई क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करना है। तो ये हमारा जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमारा सेटअप होता है सॉफ्टवेयर के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये आपका कम से कम आपका अराउंड 5 to 10 minutes आपका लेता है, तो बी पेशेंट, ये आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर चल रहा है। अगर कुछ भी एरर आता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे अहेड।